आज से कई सौ साल पहले जब पेन या पेंसिल का आविष्कार नहीं हुआ था, उस दौर में पंख और स्याही की मदद से लोग लिखा करते थे। लेकिन उसमें कई बार ऐसा होता था कि स्याही पेपर के ऊपर ही गिर जाती थी और सारा का सारा कागज ही बर्बाद हो जाता था। अब इसके बाद लोगों ने चारकोल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें ये समस्या आई कि चारकोल हाथों को ही गंदा कर देता था। अब इसके बाद 1790 में फ्रांस के वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कोंटे ने पेंसिल का आविष्कार किया, जिसने चारकोल को लकड़ी से कवर कर दिया, जिसे आज हम पेंसिल कहते हैं। पूरी दुनिया में हर रोज 2 करोड़ पेंसिलें बेची जाती है। अब दोस्तों, कई बच्चे तो पेंसिल से लिखते कम है और चबाते ज्यादा है, लेकिन दोस्तों, ऐसे में आपके मन में क्या कभी यह सवाल आया है कि आखिर पेंसिल की लीड को पेंसिल में डाला कैसे जाता है और कैसे पेंसिल फैक्ट्री में बनाई जाती होगी? तो आइए हम पेंसिल बनने के पूरे प्रोसेस को देखते हैं। दोस्तों, पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले उसकी लीड पर काम किया जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट, क्ले और पानी के साथ अच्छी तरह आपस में मिक्स करना। इसके बाद प्रेसिंग मशीन इस मिक्सचर से लीड को आकार देकर बाहर निकाल देती है। अब इसकी अगली प्रोसेस में लीड्स को ड्राई किया जाता है और फिर उन्हीं लिड्स को 1500 डिग्री पर पकाया जाता है ताकि ये सख्त हो सके। अब इन लिड्स को लिक्विड वैक्स में कुछ देर के लिए रखा जाता है और अगर कलर पेंसिल बनानी है तो फिर वैक्स या फिर क्ले में कुछ कलर डालकर उन्हें कलरफुल बनाया जा सकता है। अब दोस्तों, लिड्स बन के तैयार हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हम इसे लकड़ी में डालेंगे कैसे? दरअसल पेंसिल तो सिर्फ उन्हीं लकड़ियों से बनाई जाती है जो कि बाद में शार्पनर से छील जाए और इतनी कमजोर भी ना हो कि हाथों में ही टूट जाए, और इसीलिए पूरी दुनिया में पेंसिल बनाने के लिए देवदार लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले लकड़ियों को बड़ी बड़ी शीट्स में काटा जाता है और मशीन से कुछ इस तरह से इनके ऊपर सांचे बना दिए जाते हैं ताकि इनके ऊपर लीड को रखा जा सके। सबसे पहले इन सांचों में अच्छे से ग्लू भरी जाती है और फिर इसमें लिड्स को डाला जाता है ताकि वो अच्छी तरह से अपनी जगह पर चिपक सके। इस तरह की एक और वुडन शीट को इसके ऊपर रखा जाता है। अब इन शीट्स को रखकर इन्हें कंप्रेसर मशीन में डाल दिया जाता है, जो कि दोनों तरफ से 900 किलो का फोर्स लगाते हैं और करीब 1 घंटे तक यह प्रोसेस चलता है। ऐसा करने से लकड़ियां एक दूसरे से चिपक जाती हैं। अब बारी आती है लकड़ियों की सीटों को पेंसिल में बदलने की। उसके लिए जो शीट्स कंप्रेसर में डाली गई थी, अब उन्हें इस मशीन में डाला जाता है, जो कि उन शीट्स को अलग अलग तरह की पेंसिल की शेप में काट देती है, और नटराजन पेंसिल में हेक्सागन शेप को यूज किया जाता है, जिसके लिए यह प्रोसेस 2 बार करना पड़ता है। अब इस काम के बाद इन पेंसिल को लेक्यूरिंग हेड नाम की मशीन में डाला जाता है और इस मशीन का काम है उन पेंसिल्स को पेंट करना। अब इसमें एक एक करके पेंसिल्स जाती है और रंगीन होकर बाहर आती है, और पेंसिल्स को सुखाने से पहले उन पर स्टैंप लगाई जाती है। अब पेंसिल बन के तैयार है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि पेंसिल्स के ऊपर इरेजर भी लगी होती है। अब उसे लगाने के लिए हमें इरेजर बनाना पड़ेगा, और ये इरेजर कैसे बनता है उसकी हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, जिसे आप देख सकते हैं हमारे इस पेज पर। धन्यवाद।